हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आप सबको पता है कि रिन्यूअल वालों का भी जो स्टेटस है वो आ चुका है, और स्टेटस आने के साथ साथ ही बहुत सारी जो हैं दिक्कतें भी बच्चों को देखने को मिल रही हैं, जैसे कि इस टाइप में आप देख सकते हो। तो कल शाम को मैंने जब स्टेटस आया था तभी बताया था कि मैं इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आऊँगा, क्योंकि ये एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चों में दिक्कतें आ रही हैं, लाखों बच्चों में दिक्कतें आ रही हैं। एक दो तो हज़ार तो छोड़ ही दो, लाखों बच्चों में दिक्कतें आ रही हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि दिक्कतें हर बार होती थी, हर साल, चाहे 2020 की स्कॉलरशिप हो, 19 की हो, 18 की हो, हर बार दिक्कतें आती थी, लेकिन इतने मेजर प्रॉब्लम नहीं होती थी, बस नॉर्मल सी दिक्कतें होती थी जो करेक्शन में हम लोगों का सही हो जाता था। लेकिन अब की बार क्या है कि दिक्कतों पर ही दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले जब स्टेटस हम लोगों का दिखना शुरू हुआ, यानी जब करेक्शन हम कर रहे थे, तो भी वहाँ पर कुछ क्लियर चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर जब जो है इनका स्टेटस आया, यहाँ भी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं आखिर में मामला क्या है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों पर बात करूंगा, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और थोड़ा जो वीडियो है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग, हमें पता है बहुत सारी जगहों पर आप लोगों ने जानकारी की होगी, आप लोगों ने सभी को कुछ ना कुछ अजीब अजीब तरीके से बातें आपको बताई होंगी जो आपकी भी समझ से बाहर रही होंगी और सभी के समझ से बाहर हैं। सबसे पहली बात तो मैं बात करूं कि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में यह हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी हर एक चीज जो है सही है। जैसे कि मैं ये बात बताऊं, ये वाली जो प्रॉब्लम बेटा, ये प्रॉब्लम जो है हर एक बच्चे में, लगभग लगभग 98% बच्चों में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा है कि इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, सस्पेक्ट मार्क्स परसेंटेज बिलो देन 33%, मार्क्स मिसमैच, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75। ये चार सारी चीजें जो हैं हर एक रिन्यूअल वालों बच्चों में दिखा रहा है। रीजन इसका क्या है सुनिए, क्योंकि रिन्यूअल वाले बच्चे क्या है कि अधिकतर बच्चे जो हुए थे वो प्रमोट हुए थे, ठीक है। तो जब वो प्रमोट हुए तो उन्होंने, भाई अब मार्क्स कैसे डालें, भाई जब पास कोई परसेंटेज आया नहीं तो वो कैसे मार्क्स डालें। तो ये सारी चीजें हैं, और इसी डाटा को ये बताया गया है कि जो है इनकी जो है अटेंडेंस लेस देन 75% है। इसका रीजन ये है कि आपको भी पता है लॉकडाउन में जो है क्लासेस बंद थी, कोई बच्चे वहां जा नहीं पाए, और जो अटेंडेंस लेस देन 75% है, ये सारी चीजें हैं। तो हालांकि जो अटेंडेंस वाली जो मैं बात बताऊं, ये लगभग बहुत सारे लोगों में है, तो इन बच्चों की अगर मैं बात बताऊं, अगर तो इसमें क्या है कि ये जो है कॉलेज का प्रॉब्लम है। अगर कॉलेज वाले, और कॉलेज वाले भी 75% के ऊपर भेज नहीं सकते थे, क्योंकि जब कॉलेज बंद था तो अटेंडेंस की वो जो है कैसे भेज देते। तो कहने का मतलब है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा मैं इस पर भी बात करूंगा हर एक चीज़ पर, और ध्यान से थोड़ा सा बने रहिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों का फायदा हो जाए। फिर इन्होंने कहा है कि इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच्ड, अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं, इनरोलमेंट नंबर भी सही है, रोल नंबर मैच्ड जो है, ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं और फिर भी ये चीज़ें दिखा रही हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका करेक्शन में आया था, उन्होंने करेक्शन किया है, फिर भी ये चीज़ें अभी जो हैं अपडेट नहीं हुई हैं, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा, ये अपने आप अपडेट हो जाएंगी। लेकिन वेट करने के साथ साथ आप थोड़ा सा काम कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। हालांकि कोई भी आपको क्लियर नहीं बताएगा, ना कॉलेज वाले आपको क्लियर बताएंगे, समाज कल्याण विभाग से आप डायरेक्टली बात कर नहीं पाओगे, कोई भी लोग आपको सही चीज़ें नहीं बताएंगे। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ सुनिए, आप वेट तो कर लीजिए, हो सकता है ये अपने आप ही अपडेट होकर सही हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने करेक्शन किया उनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ, किसी का भी नहीं अपडेट हुआ है, कुछ लोगों को छोड़कर। तो आपको नहीं घबराना है अगर आप करेक्शन किए हो और अपडेट नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, वेट के साथ साथ में आपको ये वाली जो प्रिंट आउट है, इस प्रिंट आउट को आप कैफे से जाकर निकलवा लीजिए, जो ये आपने स्टेटस देखा है, इसके साथ ही आप चले जाइए कॉलेज में, और कॉलेज में पहले आप बात करिए और कॉलेज से पूछिए कि सर ये बता दीजिए कि हमारे में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा रोल नंबर भी सही है, हर एक चीज़ सही है, लेकिन ये लेस देन 75% क्यों आ रहा है। भाई ये तो आपके हाथ में था नहीं, क्योंकि ये तो भाई लॉकडाउन की वजह से कॉलेज वगैरह बंद थे तो आप नहीं जा पाए, तो यहाँ पर कॉलेज वाले आपको बताएंगे इसका क्या सोल्यूशन, अगर वो बता रहे हैं तो, अगर नहीं बता रहे हैं तो आप उनसे कह दीजिएगा, एक एप्लीकेशन लिख दीजिए ऊपर, और उस पर लिख दीजिएगा कि हमें इसमें से ये चीज़ें बताई गई हैं, जो चीज़ें यहाँ लिखी है आप एप्लीकेशन में लिख दीजिए, और बता दीजिए कि मेरा सब कुछ सही होने के बावजूद भी जो करंट स्टेटस है उसमें ये सारी चीजें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो सर ये बताइए कि अब मैं इसमें क्या करूं, और आप प्लीज इसको वेरीफाई करने की कृपा करें, इस टाइप का लिखकर आप जो है अपने कॉलेज में दे दीजिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है वो 22 तारीख तक, सॉरी जो है 22 तारीख तक आपका
वेरीफाई होना है और फॉरवर्ड होना है 22 तारीख तक। आज जो डेट है वो 19 तारीख है, तो ये काम आप आज ही कर लो, या नहीं आज कर सकते हो तो कल ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। हालांकि ये अपने आप सही हो जाएगा, और लेस देन 75% जो अटेंडेंस है ये रिन्यूअल वालों में ज़्यादा आ रहा है, जो हमारे फ्रेश वाले बच्चे उसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो रिन्यूअल है, रिन्यूअल का मतलब जाहिर सी बात है कि वो फर्स्ट ईयर होंगे नहीं, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में ही होंगे, तो उनमें क्लासेस चली नहीं, इसलिए लेस देन 75% दिखा रहा है। और कॉलेज वाले भी जो है वो मजबूर थे, भाई कॉलेज बंद है तो कैसे दिखा दें कि इनका 75% से ज्यादा अटेंडेंस है। क्लियर है, ये सारी चीजें हैं। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी जो बातें मैंने बोली हैं आपको, सब कुछ सही है या कुछ चीजें गलत हैं तो भी आप उनको एप्लीकेशन दे दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे एप्लीकेशन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं कि वो सही हो जाएगा, तो बेटा एक बात बताओ, वेट करने से अच्छा है कि कुछ कर वेट किया जाए। एक एप्लीकेशन दे दोगे, कॉलेज से बात कर लोगे आप, तो ज्यादा सही है, आपको वहां से कुछ ना कुछ जो है मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन आप वहां पर लिख कर दे दोगे तो आपका जो है काम हो सकता है सही हो जाएगा। बाकी कुछ लोगों के अपडेट हो जाएंगे धीरे धीरे एक दो दिन में, लेकिन आप वेट न करें, क्योंकि 22 तारीख जो है एकदम से नजदीक है और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से हर एक चीज अपना कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ सही आया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो अपने क्वेश्चन को, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।